हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गुड मॉर्निंग। तो संडे का दिन है और ये ब्लॉग आप लोग लेट ही देख रहे हो। आजकल का जो भी वीडियो आ रहा है ना, लेट ही आ रहा है, क्योंकि तबीयत सबकी ख़राब है ना, तो सबको ध्यान देना भी ज़रूरी है। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा सर्दी उर्दी लग गई थी ना कि क्या बताऊँ। तभी वही सुबह का ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, तो पनीर की सब्ज़ी मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी पूछती हूँ खाने में क्या बनाऊँ, तो वो एक ही चीज़ बोलती है, पनीर की सब्जी, और कोई सब्जी नहीं बोलती है। तो अभी मैं उसके डिमांड पे ही पनीर की सब्जी बना रही हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से। बस पनीर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, उसमें दिया है हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और कच्चा सरसों का तेल, और थोड़ा सा नमक दिया है स्वाद के अनुसार। और अभी अच्छे से मिक्स करके इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पर चाय भी बन के रेडी हो गया था, तो अभी हम लोग वही ब्लैक टी सुबह सुबह पीते हैं। सर्दी लगी हुई है ना सबको, तो दृशानी को भी आजकल हम ना चाय देते हैं। और ये चाय ना वो काली मिर्च डाल के बनाती हूँ, तो काढ़ा टाइप का रहता है, तो ये अच्छा रहता है सर्दी खांसी के टाइम पे। अगर ऐसा चाय पियेंगे तो उससे गले में अच्छा मतलब महसूस होता है, राहत मिलता है। तो वही चाय और उसके साथ हम लोग टोस्ट खाए। और अभी यहाँ पे वही पनीर की सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। पनीर को मैंने फ्राई कर लिया था और सेम ऑयल में थोड़ा सा और ऑयल मिक्स किया है। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ जीरा, तेज़पत्ता और हरी मिर्च मैंने डाला है, 3 हरी मिर्च लिया है। ये बिल्कुल भी तीखा वाला हरी मिर्च नहीं है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा देती हूँ, फिर भी तीखा नहीं होता है सब्ज़ी। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है, प्याज को हल्का सा भून लिया है। और उसके साथ अभी मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है, खल में कूट के ही मैं बना लेती हूँ फ्रेश, तो वही मैंने डाला है, उसको भी भून लिया है। फिर हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और ये लाल मिर्च जो है ना ये सिर्फ कलर के लिए है, तो लाल मिर्च तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, सिर्फ कलर वाला यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर जो मसाला मैं डाल रही हूँ वो अपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, मैंने ये मसाला बनाया था, बहुत ही अच्छा मसाला है, किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। ये मसाला डालने के बाद ना कोई और मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वही मसाला मैंने डाला है। फिर नमक दे दिया है स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को भी अच्छे से भूनूंगी। तो मसाला यहाँ पर भून गया था, तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने दही ऐड किया है, टमाटर नहीं डाल रहे हैं तो इसके लिए दही मैंने डाल दिया है। और अभी मसाले को बराबर चलाते हुए भून लेंगे। और अभी यहाँ पर पनीर भी मैंने ऐड कर दिया जो फ्राई करके रखे थे, और पनीर को भी मसाले के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे, तो जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड करेंगे और इसको पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक। फिर लास्ट में धनिया पत्ता ऐड करेंगे, सब्जी बनके रेडी हो जाएगा। और काफ़ी टाइम से तो मैं टमाटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, पहले तो बिना टमाटर की सब्जी खाई नहीं जाती थी, और अभी पता ही नहीं चल रहा है कि टमाटर ही मतलब यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से नहीं खा रहे हैं ना, तो टमाटर को भूल ही गए हैं। और पनीर की सब्जी तो बन गई है, रोटी फटाफट से बना लिया है, और अभी यहाँ पे दृशानी के लिए खाना निकाल लिया है, उसको सबसे पहले खिलाऊंगी। ये खा लेती है ना फिर टेंशन खत्म हो जाता है। गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो अभी 2:45 का टाइम हो रहा है, और अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह से इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे, वैसे आज सुबह उठे हैं ना तो सबसे पहला काम मेरा हुआ है झाड़ू पोछा करने का, उसके बाद मैं फटाफट से ना वही ब्रेकफास्ट बनाई हूँ, पनीर की सब्जी, रोटी, घी लगा दिया था रोटी में, तो वही खाए हैं हम लोग। और आज बहुत लेट खाए हैं, मतलब 12 बजे हम लोग का ब्रेकफास्ट हुआ है, तो अभी मैं सोच रही हूँ लंच में क्या बनाऊँ, कुछ हल्का फुल्का। और बहुत दिन से ना मैंने सोयाबीन का पुलाव नहीं खाया है, पुलाव या बिरयानी कुछ भी बोलिए, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं सोच रही हूँ ना अभी वही खाने में बना लेती हूँ, बहुत दिन से खाया नहीं है। और मुंह ना फीका फीका सा हो गया है, हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब है, फीवर हुआ है उनको, तो मतलब 3 दिन से तो उनकी तबीयत ख़राब ही है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, सर्दी खांसी फीवर ये सब एक साथ ही हो गया है उनको। बारिश में भीग भीग कर आ रहे थे ना ऑफिस से, इसके लिए उनको पकड़ लिया। दृशानी को भी सर्दी खांसी लगी है, तो घर में सबका तबीयत समझिए तो डाउन ही है, और मुझे भी सर्दी लग गई है, तो घर में एक आदमी को होता है तो सबको लगता ही है। दिशानी अभी सोई नहीं, ये लड़की को नहीं सोना है, नींद ही नहीं आ रहा है इसको, बाल सूख गया। मुझे भी हेयर वॉश करके नहाना था, लेकिन मुझे ना लेट हो रहा था इसके लिए मैं हेयर वॉश नहीं की, लेकिन ऑयल लगा के रखी हूँ, तो कल हेयर वॉश करके नहाऊंगी, लेकिन दिलशानी को नहला दिया है हेयर वॉश करके, इसके बाल में कल रात को ही तेल लगा दिया था। कल स्कूल, हाँ कल स्कूल जाएगी ना, 2-3 दिन से बहुत आराम कर रही है, तो कल से इसको स्कूल जाना पड़ेगा, तो स्कूल जाएगी ना तो
फिर बाल सूखता नहीं है, छोटी बना के ही भेजना पड़ता है, फिर टीचर डांटेगी, भेज देगी इसको। और वन पोनी भी अलाउड नहीं है। हाँ, वन पोनी भी अलाउड नहीं। तो अभी देखिए पनीर की सब्जी इतना है और इसमें रोटी भी है। ये देखिए ये रात की रोटी है, दो रोटी है। ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि 12 बज गया था खाते खाते, इसके लिए मैं नहीं खाई हूँ। 10 बजे हाँ, 9 बजे से पहले मैं खा लेती हूँ, बच्चा रहता है ना तो मैं खा लेती हूँ, उससे ज़्यादा टाइम होता है तो फिर मैं नहीं खाती हूँ। और ये प्याज छीला हुआ है, अभी सब्जी उब्जी बनाऊँगी ना तो उसमें यूज आ जाएगा, क्योंकि फिर 10 बज जाता है तो फिर वो बासी हो जाता है ना रोटी। हाँ, सुबह ही बासी हो जाता है, फिर भी 8-9 बजे तक खा सकते हैं, है ना सुन्नु? 8-9 बजे तक खा सकते हैं, नहीं तो 7 बजे उठोगे तो तेरा ना देख सर गर्म है। बिट्टू इसको ना हमेशा बोलती हूँ फुल कपड़े पहनो, लेकिन इसको पहनना नहीं है, इसको गर्मी भी लगता है, सर्दी बर्दाश्त, ठंडी बर्दाश्त भी नहीं होता है, गर्मी भी लगता है, पता नहीं इसका बॉडी का पता ही नहीं चलता है। मैं बोलती हूँ सॉक्स पहन के रखो घर में, तो सॉक्स भी नहीं पहनती है। जाओ इसके ऊपर से जैकेट पहन लो, जाओ जैकेट। हाँ जाओ। और ये वाला एरिया तो मैंने क्लीन किया था, लेकिन देखिए मतलब 10 दिन अगर आप क्लीन नहीं करोगे ना तो फिर से गंदा हो जाता है, इसको भी थोड़ा बहुत क्लीन करना ही पड़ता है। और पता है आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज ना बारिश नहीं हो रही है, और नीचे का फर्श देखिए एकदम सूखा सूखा है, सुबह से ही बारिश नहीं हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, ऐसे ही मौसम रहना चाहिए। ज़्यादा बारिश होता है वो भी तकलीफ ही होता है। बहुत टाइम पहले मैंने गाजर निकाल के रखा था फ्रिज से कि बाद में खाऊंगी, लेकिन भूल ही गई थी, तो अभी याद आया तो मैं सोचा चलो अभी काट के खा लेते हैं, नहीं तो फिर से भूल जाऊंगी। और मैं भूल जाती हूँ, मुझे ना पता नहीं क्यों खाया ही नहीं जाता है, फ्रूट भी नहीं खाया जाता है, ये सब चीज़ें मन नहीं करता है खाने का। और अभी तक ना मतलब वो जो ऑरेंज जूस है ना अभी तक फ्रिज में पड़ा हुआ है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो गया है, लेकिन मेरे से ख़त्म नहीं हुआ। अनार भी उसी तरह पड़ा हुआ है, चुकंदर भी नहीं खाती हूँ, हस्बैंड बहुत डांटते हैं, अभी क्या करे खाया ही नहीं जाता है मेरे से, बस नॉर्मल खाना थोड़ा बहुत खा लेती हूँ बस वही। और अभी तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा खाते हैं ना पेट एकदम फुल हो जाता है, और लगता है कि ना पेट कितना भरा भरा है। तो 8-9 मंथ में ना बहुत प्रॉब्लम होती है सच में, भूख तो लगती है लेकिन खाने का इच्छा नहीं होता है। और अभी यहाँ पर ना लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, वैसे किसी को खाने का मन नहीं था, लेकिन मैं सोची चलो थोड़ा बहुत सब खा लेंगे, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब है ना, तो मुँह ख़राब हो गया है, तो मैं सोची चलो अभी ये सोयाबीन की बिरयानी ही बनाते हैं। तो यहाँ पे चावल में लगा रही हूँ, पानी गर्म हो गया था, एक फ्रेंड बोल रहे थे कि चावल आप लगाते हो तो पूजा करते हो, तो मैं बचपन से ही अपने घर में देखते आ रही हूँ ना, तो जब भी इस टाइप का चावल बनता था ना मेरे घर में, तो इस तरीके से पूजा करके फिर चावल लगाते थे, फिर दाल भी वैसे ही जैसे हांडी में दाल बनता है ना, तो वैसे ही मतलब पूजा करके ही लगाते हैं। और पता नहीं इसका रीज़न क्या है, नहीं मालूम है, बट ऐसा देखती थी तो मैं भी कर लेती हूँ। सोयाबीन को भी मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है, पूरा अच्छे से पका लिया है, हल्का सा नमक दे के मैंने उसको बॉईल किया है। और यहाँ पे सारी सब्जी भी मैंने कट कर ली है, जो जो मुझे मिक्स करना था, सिर्फ गाजर और आलू ही मैंने कट किया है। वैसे इसमें चाहे तो और भी सब्जी मिक्स कर सकते, बट मेरे पास नहीं था, और मैं सिर्फ सोयाबीन का भी बनाती हूँ ना तो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो सोयाबीन को ना हल्का सा घी में मैंने फ्राई कर लिया है, चाहे तो फ्राई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन फ्राई करके बनाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। हल्का सा नमक दे के मैंने फ्राई कर लिया है, और यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें अभी ये प्याज को ना अच्छे से फ्राई करके निकाल लूँगी, और ये प्याज को ना लास्ट में मिक्स करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अभी यहाँ पे प्याज भी फ्राई हो गया अच्छे से, ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। और यहाँ पे अभी मैं सेम ऑयल में कुछ खड़े मसाले ले रही हूँ, छोटी इलायची, दालचीनी, और मैंने तेज़पत्ता डाला है, जीरा, लौंग, और बड़ी इलायची नहीं डाला है। उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया है, और अभी प्याज को हल्का सा भून लेंगे। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर आलू और मिर्च को भी डाल दिया है, इसको भी हल्का सा भूनेंगे, इसको पकाना है। आलू को भूनते वक्त ही 80% कुक कर लेना है, तो आलू अभी पक रहा है, तब तक इधर 3-4 चम्मच मैंने दही लिया है, उसमें बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको भी साइड में रखेंगे, इसको बाद में मिक्स करेंगे मसाले के साथ। तो यहाँ पर देखिए आलू अच्छे से कुक हो गया है, मतलब 80% तक कुक हो गया था, तो फिर मैंने गाजर ऐड किया है, गाजर को ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, अदरक लहसुन को भी हल्का
हल्का सा भून लेंगे और उसके साथ ही यहाँ पे सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। चाहे तो आप ये मसाले ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और सिर्फ बिरयानी मसाला डाल के भी बना सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैं सारे मसाले ऐड करके बनाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और चाहे तो आप सिर्फ रेगुलर का जो मसाला है ना वही डाल के बना सकते हो, बिरयानी मसाला भी डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास बिरयानी मसाला था तो मैंने डाल दिया है। तो मसाला भुनने के बाद ना मैंने वो जो दही और बिरयानी मसाला मिक्स करके रखा था वो भी ऐड कर दिया था और अच्छे से मसाले को भून लिया है। उसके साथ मैंने सोयाबीन भी ऐड कर दिया था, फिर मसाला अच्छे से भून गया। तो यहाँ पर अभी मैं राइस ऐड कर रही हूँ। मसाले को एकदम ड्राई ड्राई कर लेना है। सोयाबीन पहले ही मैंने अच्छे से कुक कर लिया था। अगर सोयाबीन अच्छे से कुक नहीं हुआ है तो यहाँ पे पानी डाल के और सोयाबीन को कुक कर लीजिए, फिर मसाले को ड्राई करके फिर चावल ऐड करिएगा तो उससे अच्छा टेस्ट आएगा। और अभी चावल डाल के मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और लास्ट में मैंने धनिया पत्ता और वही जो प्याज मैंने भून के रखा था ना वो ऐड कर दिया है। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस ये बिरयानी या पुलाव कुछ भी बोल सकते हैं बन के रेडी है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, झटपट बन भी जाता है, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे खाना बनके तो रेडी है लेकिन कोई खाने वाला है नहीं। और दृशानी के चेस्ट में ना दर्द हो रहा था और उसको खांसी हुआ है ना उसकी वजह से ना उसके चेस्ट में दर्द हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, रो भी रही थी कि मम्मी क्यों दर्द हो रहा है इतना, मतलब अकड़ गया था उसका सीना, एकदम से अकड़ गया था। वैसे दर्द नहीं हो रहा था लेकिन वो जो अकड़ जाता है ना, लगता है कि कुछ फंस गया है, कुछ अटका हुआ है, उस टाइप से उसको हो गया था। तो उसको मैंने गर्म पानी पिलाया, फिर उसके चेस्ट पर मालिश किया थोड़ा सा सरसों तेल से और फिर उसको ना भाप भी दिया तो ठीक हो गया। उसके बाद वो ठीक हो गई और अभी यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही है, तो अभी आराम है। मैं उससे पूछ रही हूँ आराम हुआ कि नहीं हुआ, तो बोल रही है अभी आराम हो गया है, हल्का हल्का सा दर्द है, तो बाद में एकदम से ठीक हो गया था। तो अभी यहाँ पे दृशानी के लिए मैंने खाना निकाल लिया, उसको खिलाऊंगी और बहुत टेस्टी बना हुआ था ये पुलाव। आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो। तो खाना हम लोग बहुत लेट खाए थे, लगभग 6 बज गया था उस टाइम हम लोग खाना खाए। तो उसके बाद ना मैं सोची चलो नीचे जाती हूँ, बारिश नहीं हो रही थी तो थोड़ा वॉक करके आते हैं। लेकिन नीचे फर्श ना इतना गीला गीला था ना, और काई जो होता है ना, काई लग जाता है, ग्रीन ग्रीन हो जाता है बारिश में, पैर बहुत ज़्यादा फिसलता है। फिर हस्बैंड डांटने लगे, बोले कि मत घर में ही वॉक कर लो। तो वॉक करने का भी मन नहीं कर रहा था घर में मैं वॉक करती हूँ ना तो कभी कभी चक्कर ही आने लगता है एक ही जगह पे थोड़ी देर, मतलब थोड़ी सी जगह पे घूमना पड़ता है ना इसके लिए। तो मैं सोची चलो कुछ ना कुछ काम करती हूँ, तो मैं सोची चलो वार्डरोब ही क्लीन कर लेती हूँ। ये भी तो नंबर में लगा हुआ था, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ इसको क्लीन करने का और सारे कपड़े को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने का, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो कोई ना कोई काम तो करना ही चाहिए। आज वैसे भी सोचे थे सोफा कम बेड क्लीन करने के लिए, लेकिन हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं सोची चलो अभी उनका तबीयत ठीक नहीं है तो फिर डस्टिंग वाला काम करेंगे ना तो फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो मैं सोची चलो ये काम कर लेते हैं। और जब भी संडे सैटरडे आता है ना तो मैं सोचती हूँ कि ये क्लीन करूँगी वो क्लीन करूँगी, लेकिन आजकल हो नहीं पा रहा है। तो ये सैटरडे संडे को तो हस्बैंड का तबीयत ही ख़राब हो गया तो उसकी वजह से हुआ नहीं। और उसके पिछले जो सैटरडे संडे गया उस टाइम पर तो वो चले गए थे घूमने के लिए, मतलब ऑफिस का जो भी काम से जाना था उनको बाहर। तो इस तरह से ना सैटरडे संडे निकल जा रहा है और डे और मेरे घर की क्लीनिंग हो नहीं पा रही है। तो अभी देखिए कब क्लीन करूँगी, धीरे धीरे ना टाइम निकलते जा रहा है और डिलीवरी डेट नज़दीक आ जाएगी तो और भी मेरे से कोई काम नहीं होगा, और उसके बाद तो खैर क्लीनिंग करने का सोच भी नहीं सकते हैं। और ये काम जब मैं स्टार्ट करी ना तो 7 बज रहा था और देखते देखते कैसे 10:30 हो गया ना पता ही नहीं चला। देखने में लग रहा था ना कि बस झटपट हो जाएगा, लेकिन सारे कपड़े को मिला के रखना, फिर कौन से कपड़े हटाना है, निकालना है, फेंकना है, ये सारे करते करते ना इतना टाइम हो गया। तो फाइनली अभी मेरा वार्डरोब क्लीन भी हो गया, ऑर्गेनाइज भी हो गया। तो ये वाला ऑर्गेनाइजर में ना मेरा एक्स्ट्रा साड़ी रखा हुआ है, जो साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ वो सब साड़ी रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए सारे जगह मैंने खाली कर दिया है, और इस साइड में मेरा जीन्स है, पेटीकोट है, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े है पहले का जो कि मैं पहनती नहीं हूँ, और यहाँ पे मैंने अपना लोअर और जो भी मेरा टी शर्ट है वो सब रखा हुआ है, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा सामान भी है, और ये बैग रखा हुआ है, मेरा हैंड बैग है, और कुछ कुछ बेबी के लिए मैंने शॉपिंग किया था तो वो सब सामान रखा हुआ है। और
पड़ी है, बीच में यहाँ पे मैट्रेस का कवर है, कुछ वही अधिशनी का कपड़े है, तो बहुत सारे सामान मैंने हटा दिया ना, तो थोड़ा वार्डरोब खाली भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, एकदम से भर गया था। और थोड़ा खाली करके रखना भी ज़रूरी है क्योंकि अभी और भी बहुत सारे सामान आने वाले हैं, अभी शॉपिंग तो बाकी ही है, न्यू बेबी की थोड़ी बहुत तो शॉपिंग होगी ही, उसके लिए भी तो जगह बनाना है। और यहाँ पे सारे दृशानी के मैंने कपड़े रख दिए, एक फ्रेंड बोल रहे थे कि दृशानी के कपड़े का कलेक्शन शेयर करने के लिए, तो उसके पास उतना खास कपड़ा है नहीं, जब भी ज़रूरत पड़ता है ना तब भी मैं लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे का कपड़ा ना पहले से ख़रीद के इतना सारा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे बढ़ने वाले होते हैं तो बहुत जल्दी छोटा हो जाता है कपड़ा, इसके लिए मैं दृशानी का कपड़ा ज़्यादा नहीं लेती हूँ, जब ज़रूरत पड़ता है ना तभी लेती हूँ। और जो भी कपड़ा मैं लेती हूँ ना उसको मैं डेली यूज़ में पहनाती हूँ, उसको रखती नहीं हूँ, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि डेली नहीं पहन सकते, वही कपड़े उसका रखा हुआ है। तो अभी ये वाला जो मेकअप वाला सेक्शन है ना उसको मैंने क्लीन नहीं किया है, और ये जो दो ड्रॉर है उसको भी मैंने क्लीन नहीं किया है, तो इसको मैं बाद में करूँगी क्योंकि मैं पूरा से थक गई थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था करने का। तो अभी यहाँ पर देखिए ये वाला सेक्शन मतलब साड़ी वाला सेक्शन है, तो एक ही साइड में मैंने पूरे साड़ी को ऑर्गेनाइज कर दिया है, पहले तो नहीं आ रहा था लेकिन साड़ी को रखते रखते ना दब गया साड़ी, तो इसके लिए पूरा साड़ी ना मेरा एक ही साइड में आ गया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे मेरे न्यू कुर्ता सेट का कलेक्शन है, और कुछ मतलब पूरा न्यू ही है, एक दो बार कुछ कपड़े पहने हुआ है, बाकी सारा न्यू है, कुछ कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनी हूँ, मतलब एक बार भी नहीं पहनी हूँ। और इस साइड में जो आप देख रहे हैं ना ये सारे मेरे डेली यूज के कपड़े थे, तो ये सब अभी नहीं आता है, आफ्टर प्रेगनेंसी में पहन सकती हूँ फिर से, पहले मैं पहनती थी तो वही सब कपड़ा है। और इधर साइड में थोड़ा सा जगह बच गया था तो यहाँ पे मैंने दोनों पर्स को रख दिया है इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ ज्वेलरी बॉक्स है और चूड़ी बॉक्स है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर रखा है, बाद में हटा दूँगी जब मैं अपना मेकअप वाला जो सेक्शन है उसको क्लीन करूँगी ना, तो उसमें ही ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। और यहाँ पर मैंने ग्लूगन स्टिक भी रख दिया है क्योंकि इधर उधर हो जाएगा इसके लिए, टाइम पे खोजो तो मिलता नहीं है, तो फिलहाल अभी ये वाला सेक्शन ऐसा दिख रहा है और कोई ख़राब भी नहीं दिख रहा, अच्छा ही दिख रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया है, अभी ऑर्गेनाइजर ज़्यादा नहीं है मेरे पास, कुछ बास्केट धीरे धीरे खरीदूंगी, फिर उसके बाद और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूंगी, जितने भी छोटे मोटे कपड़े होते हैं सब बास्केट में रखूंगी, और जो बड़ा कपड़ा होता है उसको इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। बाकी ये वाला नीचे वाला सेक्शन मैंने अच्छे से क्लीन भी कर दिया है और खाली भी कर दिया है, यहाँ पे कुछ और सामान रख सकते हैं, और अभी थोड़े बहुत शॉपिंग तो बाकी है, अभी न्यू बेबी आएगा तो उसके लिए भी ड्रेस वगैरह लेना होगा, तो उसका भी मतलब सामान रहेगा, तो बास्केट वगैरह रखने के लिए मैंने जगह बना के रखा है वहाँ पे। और ये हस्बैंड का सेक्शन है, ये वाला वार्डरोब इस साइड में, तो यहाँ पे मैंने कुछ मतलब बेकार की चीज़ें तो नहीं है लेकिन हाँ कुछ ऐसा सामान है जो कि यूज नहीं आता जल्दी, तो वो मैंने रखा है, और हस्बैंड का कपड़े भी कुछ इस तरीके से मैंने रखा है, और इसके अंदर बेडशीट भी है। तो अभी मैं बास्केट लेने वाली हूँ उनका, जो भी सॉक्स वगैरह है ना सब रखने के लिए, टी शर्ट वगैरह रखने के लिए, तो धीरे धीरे खरीदूँगी, एक बार में तो नहीं खरीद सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है, और ऊपर वाला सेक्शन में सिर्फ उनका जीन्स है, शर्ट है, टी शर्ट वगैरह है, और बहुत सारे कपड़े तो मैंने निकाल दिए जो न्यू था एकदम, जो हाल फिलहाल में जो शॉपिंग किए थे वो कपड़े मैंने निकाल दिया है, वो सूटकेस में रख के और ऊपर रख दिए हैं वो, और नहीं तो वो सारे कपड़े रहता ना तो पूरा से इनका वार्डरोब भर जाता और जगह भी नहीं मिलता रखने के लिए। और जब मैंने ये वार्डरोब बनाया था ना तो बहुत बड़ा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत सारे कपड़े आएंगे, लेकिन धीरे धीरे ना जगह कम पड़ते गया। और ऊपर वाला जो सेक्शन मैंने दिखाया ना वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया है, क्योंकि उसको ना हाल फिलहाल में ही क्लीन किया था, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन फिर से वैसा ही हो गया, तो इसलिए मैं गुस्से में छोड़ दी, मैं छोड़ो हस्बैंड का कितना भी अच्छे से कपड़े को ऑर्गेनाइज करके रख दो फिर से वैसा ही हो जाता है। और ये सारे कपड़े आप देख रहे हैं ना, सारे कपड़े मैंने हटा दिए हैं, ये सब फेंकने वाला कपड़ा है, ये जो आप सूट देख रहे हैं ये कुर्ता, ये बहुत ही अच्छा कुर्ता है, मैंने ज़्यादा पहना भी नहीं है क्योंकि टाइट हो गया था, इसके लिए वो वैसे ही रख दी। और ये वाला जो कुर्ता देख रहे हैं ना, ये भी कुर्ता बहुत ही सुंदर है, ये कुर्ता अभी भी आ जाएगा लेकिन अभी नहीं आएगा, आफ्टर डिलीवरी में पहन सकती हूँ, ये ना कहीं दब गया था, मिल ही नहीं रहा था मुझे। तो फाइनली मेरा वार्डरोब क्लीन हो गया, ऑर्गेनाइज भी हो गया, यहाँ पे बेड भी मैंने सेट कर दिया, दृशानी बैठी हुई है, और ये सारे कपड़े को भी हटाना है, हटा के इसको क्लीन करूँगी फिर मेरा काम खत्म। सो गाइस अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 12:30 का टाइम हो रहा है, 12:30 हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लेट हुआ तो हुआ लेकिन काम मेरा कम्प्लीट हो गया है, वार्डरोब मेरा पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है तो वो मैं कभी कर लूँगी, मतलब वो जो मेरा मतलब मेकअप का जो सेक्शन है ना वो बाकी रह गया है।
मन एकदम लास्ट में ना एकदम से मैं थक गई, मैं बोली कि अब नहीं करूंगी, हो गया। बर्तन इतना सारा इकट्ठा हो गया था ना, सारे बर्तन को भी धोए हैं, धोकर किचन क्लीन किए, किचन क्लीन करके ही सोऊंगी क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी पड़ेगा। और हस्बैंड का तबीयत ख़राब है 3 दिन से, तो उनकी तबीयत ख़राब है अभी, मतलब सर्दी खांसी उनकी गई नहीं है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द पकड़ लिया है। और आज ना मेरी भी हालत ख़राब है, मुझे भी सर्दी लग गई, मेरा भी सर बहुत दर्द हो रहा है, दिशानी का भी तबीयत ख़राब है, मतलब हम तीनों का तबीयत ख़राब है। तो सर्दी खांसी बुखार ऐसे, मतलब ऐसे मौसम चेंज हो रहा है ना, कभी गर्मी कभी ठंडी कभी बारिश इतनी हो रही है। हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, भीग के आते हैं, तो इसके लिए सर्द गर्म पकड़ लिया है, तो तबीयत ख़राब हो गया। एक आदमी का तबीयत ख़राब होता है तो सबको पकड़ता है, दिशानी को सबसे पहले हुआ था। तो अभी सब लोग सो गए हैं, मैं ही जगी हुई हूँ क्योंकि अपना काम ख़त्म करूँगी फिर उसके बाद सोऊंगी। तो अभी पूरा काम ख़त्म हो गया है और अभी मैं भी जाऊँगी सोने, क्योंकि 12:30 हो गया, उससे ज़्यादा भी हो गया। तो अभी चलिए ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।